नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पहुंचे हैं कोलकाता के सिंथिर मोड़ और आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं 90 के दशक के महान गायक कुमार सानू जी का घर, जो कि यहां से बस कुछ ही दूरी पे पड़ता है। तो चलिए आज के इस खास व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों सिंथिर मोड़ से हम लोग आ चुके हैं इस वक्त बैनी कॉलोनी, और यह आप जो हमारे सामने रोड देख रहे हैं इसे बोला जाता है गोपाल बोस लेन, और इसी रोड से 5 मिनट की दूरी पे पड़ता है कुमार सानू जी का घर। तो दोस्तों आप मेरे पीछे यह मंदिर देख रहे हैं, यह है पंचनन तला मंदिर, और इस मंदिर से बस थोड़ी दूर इस आगे इस गली में यानी कि 3 से 4 घर के बाद आ जाता है कुमार सानू जी का घर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुमार सानू जी के बर्थ प्लेस पे। आप ये जो घर देख रहे हैं दुतला बिल्डिंग, यह कुमार सानू का घर है, और इसी घर पे कुमार सानू का जन्म भी हुआ है। और यहाँ पे जो है हमें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले हैं, जब नाम हो गया तब तो दाम हो गया ना। हाँ। चाचा जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम है बटो कृष्ण दास, हमारे बड़ी में रहता है। ये आपका घर है? अपना बड़ी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुमार सानू का घर है, और इसके जस्ट साइड में ही इन चाचा का घर है। तो चाचा जी एक बात ये बताइए कि मतलब कितना समय हो गया कुमार सानू जी यहाँ पे नहीं आए? 2-3 साल होगा। 2-3 साल होगा। बड़ी जब बिक गया है तब से वो नहीं आया। जब नहीं बिका था तो उसको भतीजी था उसको पास आता था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुमार सानू के जो पिताजी थे वो काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। वो गाना बजा के पेट चलाता रहा, लड़की लोग को सिखाता रहा गाना, और कुमार सानू खाट का अंदर तबला बजाता रहा और गाना हाँ 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 करके गाना गाता रहा। तो वही गाना गाते गाते उसको सुर हो गया। उस सुर में वो एक तो चांस मिल गया बम्बई जा, अभी बड़ा आदमी बन गया। फिर वहीं से वो ऊपर मतलब निकले ऊपर। अच्छा, कभी वो कुमार सानू जी यहाँ आए हैं तो आप मिले हैं उनसे? हाँ मिले हैं, हम लोग को साथ तो रिवाड़ी में आता रहा। यहाँ पर तालाब है, अभी है उस तालाब में, वो जो छोटा था नच्चे इतना से तो हटते हटते चला जाता है, और वो चूल देखा जाता है। तब हमारा भाभी उठाया था, बोला अरे कौन जाता है यहाँ पर तालाब में? तो उठा के ले आया था वो, उसको जो दीदी था वो एक जो एक आदमी के साथ बातचीत कर रहा है, गल्प कर रहा है। तब करते करते वो देखा तो ये तो डूब जाता रहा, क्या करेगा। हमारा भाभी उठा के दे दिया, और उसको माँ उसको बहुत डांटा है, ऐसे तुम्हें करता है भाई को छोड़ के। यहाँ पर ही उसको बचपन कटा है। बचपन मतलब उनका यहीं पे बीता है, कटा है। अब बम्बई में चांस मिल गया वहाँ पर। ये बाड़ी एक तला था पहले, एक तला था पहले, पहले एक तला था। तो इसको दो तला कौन कुमार सानू ने ही बनाया है? उसको भाई नाड़ू चंदन भट्टाचार्य, चंदन भट्टाचार्य। हाँ। मतलब वो कितने भाई थे? 3 भाई, चंदन भट्टाचार्य और सानू भट्टाचार्य, और एक आदमी था चंदन सानू नाड़ू तपन भट्टाचार्य, चंदन तपन और नाड़ू। 3 भाई थे। 3 भाई। और उनकी कोई बहन भी थी? हाँ बहन था, एक बहन गीतोश्री यहाँ पर आए, उसको स्वामी मर गया है वो है, एक तो लड़का है, और एक तो बहन है यहाँ से मुंबई चला गया, वो सानू के पास ही गया है। हाँ। तो अभी ये जो उनका पुराना घर है, जो जन्म स्थान है, वो सब बिक्री हो चुका है, बिक चुका है। अब इस जगह पे मतलब कोई और रहता है? हाँ एक मारवाड़ी ले लिया, मारवाड़ी। तो वो नहीं आते होंगे अब यहाँ? उसको जब फैमिली रहता तब वो आता रहा। अच्छा। तो दीदी का बड़ी है यहाँ पर विश्वनाथ पार्क, विश्वनाथ पार्क। और जैसे कि चाचा जी ने हमें बताया कि उनकी एक दीदी है जो कि यहाँ से थोड़ी दूर विश्वनाथ पार्क है वहाँ पे रहती है। 5-7 मिनट का रास्ता है, 5-7 मिनट का रास्ता है यहाँ से। चाचा जी यह जो जगह है, अभी हम लोग किस जगह पे, इस जगह का मतलब पूरा एड्रेस बताइए, यह कौन सा लोकेशन पड़ता है? इटा सिटी
सिटी पंचानंद तला और ये बगल में है साउथ सिटी पोस्ट ऑफिस साउथ सिटी पंचानंद तला नॉर्थ कोलकाता में पड़ता है। तो दोस्तों चाचा जी ने हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ दी कुमार सानू जी के बारे में, तो चाचा जी आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये घर है कुमार सानू का, और इस घर के जस्ट आगे में एक पार्क है चिल्ड्रेन पार्क, ये देख लीजिए आप लोग। जैसे कि चाचा जी ने हम लोगों को जानकारी दी कि यही कुमार सानू का बर्थ प्लेस है, और यह घर पहले एक तल्ला था और उनके भाई ने इसे दो तल्ला बनाया था, लेकिन अभी जो यह घर है यह घर बिक्री हो चुका है और इस घर पे जो है दूसरे कोई लोग रहते हैं। तो चलिए उनसे भी हम लोग मिलके देख लेते हैं कि वो लोग कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये घर आप देख लीजिए बाहर से कुमार सानू का घर है यह। तो अभी हम लोग चलेंगे कुमार सानू जी के घर और देखेंगे कि कौन है जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने इस घर को ख़रीदा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह बर्थ प्लेस है कुमार सानू का, यहीं पे उनका जन्म हुआ, लेकिन अभी जो है यहाँ पे ये भैया रह रहे हैं। तो भैया आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? 2019 से मार्च से। पहले यह कुमार सानू का घर हुआ करता था, आप लोगों ने इन्हें मतलब कब ख़रीदा था? 2019 में लिए थे अपने। किन से लिया था आपने ये घर? उन्हीं की फैमिली रहती थी यहाँ पे। उनकी फैमिली पहले रहती थी यहाँ पे। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम राजेंद्र चौरसिया। राजेंद्र चौरसिया जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब घर आपका यही है और यहाँ कहीं और भी है? जी अपना नेटिव प्लेस बिहार पड़ता है। बिहार, जैसे कि हम लोग भी बिहार से हैं, भैया भी बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? छपरा से। तो भैया यहाँ कुमार सानू जी का घर खरीद लिए और मतलब उनकी यादों में अब रहते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। उनका घर खरीद लिए उनका। भैया अब जो है उनकी यादों में रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उनका बहुत सारा बचपन तो यहाँ बीता ही है। पूरा बचपन यहाँ बीता है। और अब भैया यहाँ रहते हैं। उनका करियर भी जब शुरू हुआ वो यहीं थे। हाँ यहीं थे, यहीं थे। तो आप अगर कुमार सानू जी को तो सब प्यार करते हैं, क्या आप भी उसके फैन हैं? बिल्कुल यार, ये फीलिंग भी आती है कि उन्हीं के घर में उन्हीं का गाना सुन रहे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। उन्हीं के घर में उन्हीं का गाना सुनते हैं तो और भी अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा महसूस होता होगा इनको। आप मिले हैं कभी कुमार सानू से? जी मेरा पर्सनली कभी मिलना नहीं उनसे। तो वो लास्ट टाइम इधर कब आए थे, कुछ आइडिया है? इस घर पे आई डोंट थिंक, मेरे को उतना अच्छे से तो पता नहीं है कब आए थे लास्ट, मगर आना जाना होता है। उनकी सिस्टर का घर है, हाँ वहाँ उनका आना जाना होता है, और शायद उनके मदर के डेथ के टाइम पे शायद लास्ट आए थे यहाँ तक, जहाँ तक मेरे को पता है। और यहाँ पे उनके छोटे भाई की बेटी रहती थी यहाँ पे पहले, लास्ट जब अपने लिए। हाँ पिछले 3 साल से अपनी है यहाँ। तो पिछले 3 साल से आप लोग यहाँ पे रहे हैं जी। थैंक यू भैया। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोगों ने आपको दिखाया कुमार सानू का घर, जो कि यह रहा, यह नॉर्थ कलकत्ता में पड़ता है। उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।